पढ़ ले ये तो सब कहते हैं, पर क्यों और कैसे सिर्फ कुछ लोग। हेलो एवरीवन, सो इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया जो स्टैक का एक एप्लीकेशन है उसको हम सॉल्व करेंगे। एक एक्सप्रेशन जैसा आप देख रहे हैं एग्जांपल में हमारे सामने लिखा हुआ, इट्स अ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, तो इस एक्सप्रेशन को स्टैक की मदद से, स्टैक का इस्तेमाल करते हुए हम सॉल्व करेंगे, इवेल्युएट करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त संचित और स्वागत करता हूँ नॉलेज गेट प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, क्या आइडिया है, एक एक यू नो एग्जांपल के साथ, वैल्यू के साथ मैं आपको प्रोसेस करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हम करेंगे कुछ ऐसे कि हमारे पास एक स्टैक होने वाला है, सो वी विल हैव अ स्टैक, एम्प्टी स्टैक मैं लेता हूँ, और जब भी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन होगा, कुछ नियम का ध्यान रखिएगा, साधारण बातें, जहाँ पर फॉर्मूलाबाजी करने की जरूरत नहीं हुआ नहीं करनी चाहिए, है ना। तो बहुत सिंपल तरीके से लेफ्ट टू राइट मैं आगे बढ़ता हूँ, पहली वैल्यू मिलती है ए। अब रूल नंबर वन क्या है, रूल नंबर वन ये है, जब भी कोई वैल्यू यानी कि जब भी कोई ऑपरेंड अंदर आएगा, जब भी कोई ऑपरेंड आएगा स्कैन करते उसको स्टैक में पुश करना है। तो सबसे पहले आ जाएगा 8, उसके बाद आ जाएगा 2, उसके बाद आ जाएगा 3। जब भी कोई वैल्यू आ रही, देखिए मैं पुश करते जा रहा हूँ, अब जब भी ऑपरेटर आएगा स्टार, तो इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। और स्टार को सॉल्व होने के लिए क्या चाहिए, दो ऑपरेंट्स चाहिए। अब कैसे ऑपरेंट्स मिलेंगे, किस ऑर्डर में मिलेंगे, बात पहले समझा देता हूँ, रटनी ना पड़े आपको, इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है बाद में। आइडिया समझिए, ऐसा सोचिए, अगर आपके पास लिखा हुआ है a प्लस बी, ये बेसिकली किससे कन्वर्ट होके आया होगा, ये a प्लस बी से आया होगा ना, प्लस ए बी लिखा हुआ है, माफ़ कीजिएगा, प्लस ए बी लिखा हुआ है, ये ए बी से कन्वर्ट होके आया होगा। और अगर मैं पोस्टफिक्स लिखूं तो ये बनेगा ए बी प्लस, बल्कि अभी तो मैं क्योंकि पोस्टफिक्स की बात कर रहा हूं तो मुझे ए बी प्लस की बात करनी चाहिए। अब जो रूल मैं आपको सिखा रहा हूं, उस रूल के हिसाब से पहली वैल्यू आएगी स्टैक में जाएगी, दूसरी वैल्यू आएगी स्टैक में जाएगी, जैसे ही प्लस आएगा सॉल्व होगा। अब सॉल्व कैसे होगा, इस अंडरस्टैंडिंग से बात समझी जा सकती है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई प्रॉपर्टी नहीं जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई में निकली थी तब पता लगी। अब जब पहली वैल्यू पॉप होगी तो ये तो भाई ओरिजिनल तो ये था ना, तो बी जो है वो सेकंड ऑपरेंड बनेगा यानी कि राइट में आएगा, और जो दूसरी वैल्यू पॉप होगी वो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट बनेगा यानी कि लेफ्ट में आएगा। हालांकि प्लस तो कम्यूटेटिव है, ए प्लस बी, बी प्लस ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डिवीजन या सब्सट्रैक्शन जैसे केसेस में पड़ता है तो इस बात का ख्याल रखना है। तो ये मैंने रटाया नहीं है, समझाया सर आपको, तो इस बात का यहाँ भी ख्याल रखूंगा। मल्टीप्लाई है, पहली वैल्यू पॉप होगी राइट में जाएगी, दूसरी वैल्यू पॉप होगी लेफ्ट में जाएगी, ना 2 मल्टीप्लाई बाय 3 बन जाएगा 6, ये आ गया इधर। फिर आगे बढ़िए, मल्टीप्लाई हो गया ना 1, वैल्यू आएगा स्टैक में जाएगा, उसके बाद आ गया डिवीजन। अब देखो मैंने आपको सिखाया, इस बार वो बात काम आएगी, पहली वैल्यू पॉप होगी राइट में जाएगी, दूसरी वैल्यू पॉप होगी लेफ्ट में आएगी, तो 6 डिवाइड बाय 1 रिजल्ट हुआ 6, जो रिजल्ट हो उसे दोबारा स्टैक में रखो, फिर चला गया स्टैक के अंदर। उसके बाद प्लस आया, फिर देखो पहली वैल्यू पॉप होगी राइट में जाएगी, दूसरी वैल्यू कहाँ हो, दूसरी वैल्यू मैं नीचे हूँ, ओके इसको लेके आओ, इसको इधर रखो। नाउ 8 प्लस 6 करेंगे 14 होगा, रिजल्ट दोबारा जाएगा स्टैक के अंदर। उसके बाद 4 आएगा स्टैक में जाएगा, 1 आएगा स्टैक में जाएगा, देन आएगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई आएगा दोबारा सॉल्व होगा, 1 आ जाएगा राइट में और 4 आ जाएगा लेफ्ट में। नाउ 1 मल्टीप्लाई बाय 4, दोबारा 4 बनेगा स्टैक के अंदर जाएगा। उसके बाद कौन बचा सर, उसके बाद 2 आया स्टैक के अंदर, गया डिवीजन आया, फर्स्ट वैल्यू पॉप होगा राइट में जाएगा, सेकंड वैल्यू पॉप होगा लेफ्ट में आएगा, सो 4 डिवाइड बाय 2 रिजल्ट हो गया 2, फिर से स्टैक में जाएगा। और फाइनली आखिरी ऑपरेटर प्लस आया, फर्स्ट वैल्यू पॉप हुई राइट में आ गई, सेकंड वैल्यू पॉप हुई ये आ गई 14, और 14 प्लस 2 करेंगे 16। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो लास्ट केस में, लास्ट में सिर्फ एक ही वैल्यू बचेगी 16, और ये 16 यहाँ पर मिल गया। सो दैट इज़ हाउ यू कैन सॉल्व पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन यूजिंग एन स्टैक। और सबका इंटरेस्ट इसी में है, इसी तरीके से चीज़ों को प्रोसेस किया जाता है,
कोई हो सकता है कभी आपको परेशान करने के लिए बोल दे, प्रीफिक्स है उसको भी सॉल्व करो, मैं दिखाऊंगा अगली वीडियो में करके। लेकिन जैसा मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, दैट इज़ अ आइडिया विच शुड बी यू नो इंटरेस्टिंग, इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए क्योंकि हर कंप्यूटर सच्चाई में ऐसा ही कर रहा होता है। एवरी ALU ऑफ अ CPU, हर अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट किसी एक्सप्रेशन को पहले पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करता है, उसके बाद स्टैक का इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करता है। यस, तो अगर यहाँ तक वीडियो देख ली होगी तो उसका लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप बाकी लोगों के साथ इस मिशन को शेयर करिए। आप भगवान आपको खुश रखें।